विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं अभी जो देशव्यापी कोरोना और देशव्यापी ही नहीं, इसे हम विश्वव्यापी कह सकते, विश्वव्यापी जो बीमारी है कोरोना, उसके चलते पूरे विश्व भर में और हमारे भारत देश में भी लॉकडाउन किया गया है। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना के उपलक्ष में विश्व भर में मनाया जाता है। और इन्हीं सब के बीच जो बीमारी कोरोना आज हमारे देश में फैल रही है, अपने पैर पसार रही है, इसी के बीच जहां पूरा देश बंद पड़ा है, दफ्तरों पर ताले लगे हुए हैं, लोग घरों में हैं, इसी के बीच कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, अपने जान सबको जोखिम में रखकर अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए। वो लोग चिकित्सा कर्मी, जिनमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर से लेकर के सफाई कर्मी और बहुत ज़रूरी जो है इसमें वो पुलिस कर्मी, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं और लोगों से कराने में जुटे हुए हैं। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, वायरस जनित है। और यूं तो अपने हर प्रोफेशन की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन मैं ऐश्वर्य सेन कुछ कविताएं लिखने का शौकीन हूं और चिकित्सा विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूं, नर्सिंग स्टाफ। और अभी फ़िलहाल मैं पश्चिम बंगाल के चितरंजन नामक जगह पे कस्तूरबा गांधी अस्पताल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और इन्हीं सब को देखते हुए मैंने चिकित्सा विभाग पर और इसके चिकित्सा कार्मिकों पर, डॉक्टर पर एक छोटी सी कविता करने की कोशिश की है, वही मैं आप सबके सामने रखता हूँ। उसे गाकर मैं सुनाना चाहता हूँ कि विश्व भर के दफ्तरों पर भी जहाँ ताले जड़े हैं, विश्व भर के दफ्तरों पर भी जहाँ ताले जड़े हैं, डॉक्टर है, नर्स है, मोर्चा वो अस्पतालों में ही संभाले खड़े हैं, विश्व भर के दफ्तरों पर। इसका प्रथम बंद सुनिएगा कि मात्र अब स्पर्श से भी लोग इतना डर रहे हैं, एक महामारी से सब जन त्राही त्राही कर रहे हैं, एक झटके में सकल बाजार सूना हो गया है, दंभ वैश्विक शक्तियों का भी कहीं पर खो गया है, जान पर जोखिम भले हो, जान पर जोखिम भले हो, मौत के आगोश से भी छीन लाने पर खड़े हैं, मोर्चा वो अस्पतालों में ही संभाले खड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं। और अगला बंद सुनिएगा कि मौत और कई आरोप डॉक्टरों पर और चिकित्सा कर्मियों पर समय समय से लगाते आए जा रहे हैं, उसी पर यह बंद है कि मौत और इस जिंदगी से रोज दो दो हाथ करते, वो मरीजों से कभी ना धर्म मजहब जात करते, और नित नित वो नए आरोप सहते आ रहे हैं, स्वास्थ्य ही मूल धन वर्षों से कहते आ रहे हैं, मानता हूँ खामियां है कि हाँ, मगर वो भाव सेवा का लिए सक्षम खड़े हैं, मोर्चा वो अस्पतालों में ही संभाले खड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं आप। और अगला बंद, मैं आप सभी के नाम, इस देश के नाम एक संदेश देना चाहता हूँ
कि आपदा के दौर में किंचित नहीं भयभीत हो, ना देर हो सकती है, मगर निश्चित है इस पर जीत होना है जरूरी। स्वच्छता के मानकों को जान लेना, बात कोरोना संबंधी तुम जरूरी मान लेना, मूल मंत्र बस है बचाओ। कि पत्ते हो कितना बड़ा, पर लक्ष्य उससे भी बड़ा है। मोर दो पत्ते हो कितना बड़ा, पर लक्ष्य उससे भी बड़े हैं। मोर्चा वो अस्पतालों में ही संभाले खड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं। और इसी के साथ साथ हम उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो अपने जान को जोखिम में डालकर आप सबके लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हुए, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बल हुए। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे अपने आप को घरों से दूर रहकर, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहकर आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। कृपया उनका अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो उनका कम से कम अपमान भी नहीं कर कीजिए। पूरे देश भर से अभी पिछले कुछ दिनों में नए नए वीडियो हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पुलिसकर्मियों को चिकित्सा विभाग पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं ये, क्या इनमें भय फैलाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में सब लोग लगभग लगभग शिक्षित हैं। शिक्षित अगर शिक्षा नहीं है तो समझदार तो हैं, समझदार बने, किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और अपने स्वयं विवेक से काम करें। वैसे भी जो भी प्रोफेशन में व्यक्ति काम करता है वो किसी सम्मान या इज्जत के लिए काम नहीं करता, वो उसका डेली काम है। उसे अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर आप झूठा उसे मानसिकता अपनी दर्शा रहे हैं, आप उन्हें वहाँ तो इज्जत सम्मान देते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर, लेकिन अगर आप अपने असल ज़िंदगी में उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और इसी के साथ मैं ऐश्वर्य सेन, इस वीडियो के आखिरी में केवल अटल बिहारी जी की केवल चार पंक्तियां हैं, वही आप सबके सामने मैं रखता हूं कि बाधाएं आती है आई, अटल स्वर्गीय अटल बिहारी जी की चार पंक्तियां हैं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, आग निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और ये कदम हमें रोड पर नहीं, हमारे मन में रखने हैं, हमें मिलाकर चलने हैं एक दूसरे के साथ। और इसी से विश्वास से ही हम हमारे देश के प्रगति में सहयोग कर सकते हैं और इस कोरोना रूपी विश्वव्यापी महामारी से हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इसलिए स्टे सेफ, स्टे होम, अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।